ये बहन 3 सालों से बीमार रहती थी। डॉक्टरों को भी दिखाया पर कोई बीमारी का पता नहीं चल रहा था। डॉक्टर बोलते थे कि दिमाग की नाड़ियां ब्लॉक हैं। इन्होंने बहुत दवाइयां भी खाई, रिपोर्ट भी करवाई पर उनमें कुछ नहीं आ रहा था। अब जब से ये चमत्कार चर्च में आने लगे हैं तब से बिल्कुल ठीक रहते हैं। अब इनके घर में भी बरकत है। हालेलुया, हमारी कलीसिया को जय मसीह की, पापा को भी जय मसीह की। और हमारे घर में 3 साल हो गए, तो मैं बहुत बीमार रहते, तो हम बहुत डॉक्टरों को दिखा को कहाँ पर भी ना आराम नहीं आया हमको। हम बहुत दवाइयाँ ली, अच्छी 1.5 साल दवाई खाती, बहुत दवाई खाती सन, कोई आराम नहीं आया। एक दिन दे 100 रुपया की दवाई होंगी सी, तो सानू कोई आराम नहीं आता सी। अच्छी लेटते सके धरती, तो अच्छी बहुत बीमार होंगे, सा बहुत बुरा हाल होंगे सी। मेरे बच्चे तो दूर जान लग गए, मेरे तो इन्ने डरते होंगे सके, इन्ने परेशान अच्छे, वादू परेशान। फिर मेरे पति आखन लग्या कि आख्या अपना गंगानगर अच्छी तेरी दवाई चालू करिए फिर दोबारा। फिर अच्छी दवाई मैं आख्या मैं दवाई नहीं चालू करनी, मैं चर्च घर जाना चालू करूँगी। मैं हूँ 6 साल हो गए मैं चर्च घर आनी, मैं वधिया खुशी हाँ, तंदुरुस्ती है। पहला बीमारियों से पैसा लगता से, हूँ घर छठ घर से बरगत आ गई है। वादू परमेश्वर दया करता, सा परेशानी सारी जा बड़ी है, दुख बीमारी सारी भागी गई है। अच्छा नहीं, जमीन पे कैसे लेटते थे, क्या करें? लेटते थे पैसे को बाल माल में रहता था, हम पता नहीं कैसे लेटते थे कैसे नहीं लेटते थे, बहुत रोते थे। और क्या डॉक्टर ने क्या लिखा है, दिमाग की नाड़ियां ब्लॉक? दिमाग की नाड़ियां ब्लॉक है, बहुत डॉक्टरों को दिखाया था और 1.5 साल दवाई भी खाई हमने, वो कोई राम नहीं आया। तब किसने चंगा किया? प्रभु ने चंगा किया, प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया, प्रभु यीशु मसीह।